गरुड़ पुराण में लिखी ये पांच आदतें बनाती हैं कंगा, तुरंत बना लें इनसे दूरी। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म के 16 बड़े पुराणों में से एक माना जाता है। इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु है। भगवान से उनके वाहन गरुड़ ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और जिनका भगवान ने उत्तर भी दिया है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित बातें लिखी हैं। लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जीवन को सरल और सुंदर बनाने के बहुत सारे उपाय लिखे हुए हैं और जो भी व्यक्ति इन उपायों का पालन करेगा वह जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और नारायण के बीच हुई बातचीत का पूरा जिक्र हुआ है। गरुड़ पुराण में ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में जगह पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की ऐसी पांच बातों के बारे में जो आपको दरिद्रता की तरफ लेकर जाती है। एक, गंदे कपड़े पहनना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई हर समय गंदे कपड़े पहनता है तो माँ लक्ष्मी उनसे नाराज रहती हैं। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। वह ऐसे घर में वास करती हैं जहाँ स्वच्छता बनी रहती है। दो, दूसरों में कमियां निकालने वाला। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग स्वभाव से आलोचना करने वाले होते हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता बनी रहती है। इस स्वभाव में बेवजह चीखने चिल्लाने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले और बुरा बोलने वाले शामिल हैं। तीन, सूर्योदय के बाद तक सोने वाले। गरुड़ पुराण के अनुसार ज्यादा देर तक सोने वाले लोग आलसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां होती हैं, इसलिए अपने काम को करते वक्त आलस को बिल्कुल ही दूर कर दें। चार, धन का घमंड। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस इंसान को उनके पास होने वाले धन का घमंड हो जाता है वह बौद्धिक रूप से कमजोर होता है। ऐसे लोगों के घर लक्ष्मी माता ज्यादा समय तक वास नहीं करती हैं। पांच, मेहनत से बचना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराते हैं, उन्हें सौंपे हुए कामों को ठीक से नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होती ही हैं। साथ ही साथ जो लोग मेहनत ना करके दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे सफलता दूर भागती है। गरुड़ पुराण से संबंधित ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।